हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे लिए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना की काली याद, एक वर्ष पूर्व 23 मार्च को बिहार सरकार ने किया था लॉकडाउन। लॉकडाउन का अर्थ समझाने प्रशासन को निकलना पड़ा सड़कों पर, नगर निगम ने किया माइकिंग। एक वर्ष बाद फिर डरा रहा कोरोना रिटर्न्स का भय। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एक माह बाद लौटे प्रशिक्षण से, लिया पदभार। SSP के साथ विधि व्यवस्था की बैठक की। और होलिका दहन एवं सबे बारात एक ही दिन, रविवार की रात। विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future, No license, No registration, No insurance, No pollution, Only Yuvraj Hero Electric। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। जी हां, 22 मार्च से जनता कर्फ्यू 2020 से उसके एक वर्ष के बाद हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कोरोना काल में 2020 में 23 मार्च को क्या स्थिति थी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी जनता कर्फ्यू के बाद। 22 मार्च को पहली मौत, जो सिवान के एक व्यक्ति की मौत के बाद हड़कंप मच गया था, और बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर लॉकडाउन की व्यवस्था की थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे लॉकडाउन क्या है। कहीं दुकानें खुली थी, सोने चांदी की भी दुकानें खुलने लगी, और अंत में प्रशासन को निकलना पड़ा, नगर निगम को माइकिंग ले करके बाहर आना पड़ा कि लॉकडाउन का अर्थ है सोशल डिस्टेंस, आप घरों में रहे, जरूरत पड़ने पर आप बाहर निकले, आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलेंगी, वाहन निजी चलेंगे, लेकिन मजबूरिया में सिर्फ आवश्यक सेवा लागू रहेगा। ये है लॉकडाउन, एक साल पहले की ये थी स्थिति। कोरोना काल का एक साल, 22 मार्च 2020 से शुरू जनता कर्फ्यू लगातार आगे बढ़ता रहा, कभी कर्फ्यू के रूप में, कभी लॉकडाउन के रूप में, बाजार बंद के रूप में, आवश्यक सामग्री बिक्री और मात्र जो आवश्यक वाहन है उसे ही चलने की अनुमति के रूप में। वर्तमान में कोरोना रिटर्न्स का डर सताने लगा है। 65 मौतें हो चुकी है दरभंगा जिला में, 116 लाशें कोरोना वार्ड से निकल चुका है, और कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद लगातार बिहार सरकार ने सचेत रहने का आदेश दिया है। मास चेकिंग अभियान, सोशल डिस्टेंस जरूरी मजबूरी बना दिया है। लेकिन हम चलते हैं एक वर्ष पहले की स्थिति, 23 मार्च को हम कहां थे। लॉकडाउन का अर्थ समझाने के लिए लहरियासराय, नगर थाना, विश्वविद्यालय की पुलिस को निकलना पड़ा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद बिहार सरकार ने कोरोना मरीज पहली मौत के बाद आनन फानन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राज्य स्तर पर लॉकडाउन था। चाय पान की दुकान, नाश्ते की दुकान इत्यादि बंद करने का आदेश, पुलिस समझाती रही।
कि ये कोरोना का कहर है, आ रहा है, संभल जाइए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये 23 मार्च की स्थिति, जिंदगी की गाड़ी थम गई और उसे लगातार लोगों को बताने समझाने के लिए पुलिस को डंडा लेना पड़ा। कई होटल भी खुले थे, वहां भी ग्राहकों को हटाया गया कि आप लॉकडाउन का अर्थ समझिए, अपनी जान बचाइए, दूसरे की भी जान बचाइए, कोरोना के कहर को समझिए, ये सदी में एक बार आता है। 1918 के बाद 2020 में 102 बरस बाद स्पेनिश फ्लू के बाद ये महामारी, और लोग माइकिंग जो नगर निगम से कराया जा रहा था उससे सुन रहे थे, वह भी भीड़ लगाकर पुलिस समझा रही थी कोरोना का अर्थ ये है। उस समय कुछ लोग ही मास्क पहने हुए थे, एक दो दिन ही हुआ था, मास्क की भी कमी थी, चारों ओर हाहाकार था। ऐसे में आवश्यक सामग्री की बिक्री की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन लोग असमंजस स्थिति में थे। लोग कहीं पर कपड़ा तो कहीं सोना चांदी की दुकान खोलकर बैठ गए। वे सामग्री जिसके बिना जिंदगी चल सकती है उनकी दुकानें भी खुलने लगी, होटल इत्यादि भी खुलने लगे। ऐसे में पुलिस समझाती रही लॉकडाउन का अर्थ समझिए। लॉकडाउन का अर्थ और लंबा चलने के बाद आलू प्याज के लिए दुकानों पर होड़ लग गई। लोगों को लगा कि शायद सामान खत्म ना हो जाए, इसलिए दुकानों में भीड़ बढ़ने लगी थी। पेट्रोल पंप पर भी भीड़ बढ़ी, और ऐसे में पेट्रोल पंप न बंद हो जाए पुलिस समझाती रही, ये आवश्यक सामग्री है, आवश्यक गाड़ियों के लिए आवश्यक वस्तु अभी जारी रहेगा, सामान की कोई कमी नहीं। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर लोग दहशत में, भयभीत में 23 मार्च 2020 का दिन कि सामान खत्म हो जाएगा, दुनिया ठहर जा रही है, ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद जरूरी। दुकानें बंद कराती पुलिस, कोरोना का कहर 23 मार्च, एक वर्ष बाद हम वही स्थिति में, कोरोना दोबारा एक झोंक, एक रिटर्न मार रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से लापरवाह हो रहे हैं। और ऐसे में पुलिस, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आम लोग जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में घर में रहकर सोशल डिस्टेंस बनाकर योगदान दिया, कुर्बानी दी, संघर्ष किया, उनकी मेहनत पर पानी न फिर जाए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटका नहीं दिया, एक बता दिया कि ये दर्द है जो लंबा चलेगा, इसकी दवा खुराक अभी है, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी होगी। 2020 कोरोना वर्ष के नाम से 2021 में उम्मीद की किरण जब 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगने लगा, लेकिन वैक्सीन की क्षमता 1 अरब 30 करोड़ आबादी में कितनी होगी यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। बारी बारी से हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का काम जारी है, लेकिन कोरोना से बचना भी जरूरी। एक चेतावनी, एक उम्मीद, और इस उम्मीद के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश। ये आवश्यक सामग्री नहीं है, जिंदगी बचानी है, पुलिस समझाती रही, आप घर जाइए, जिंदगी को बचाइए, कोरोना से बचिए, अपने आप को बचाइए, दूसरों की भी जान बचाइए। ये ऐसा कोहराम है, ये ऐसी महामारी है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। अमेरिका से लेकर इटली तक जब परेशान हो, ऐसे में भारत में ये परेशानी और एक बढ़ी हुई आबादी के बीच बच के रहने की जरूरत, कितनी जरूरत, यह समझाने में ही प्रशासन और पुलिस के लोग लगे रहे। 23 मार्च को जब राज्य सरकार ने अपने स्तर से पंजाब सरकार को देखकर लॉकडाउन का निर्णय लिया, नगर निगम ने आनन फानन में माइकिंग कराकर लॉकडाउन का अर्थ समझाया, लेकिन लोग उल्टे सामान खरीदने बाजार में निकल पड़े, जिससे बाजार में अत्यधिक भीड़ हो गई और वहां पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ये 2020 23 मार्च की तस्वीर है, कोरोना की काली याद।
एक वर्ष पहले की याद, जहां अमीर गरीब सब कोई सहमे हुए थे, जिंदगी ठहरने वाली थी, प्रशासन भी असमंजस में था कि कैसे इस आबादी को रोकें, कैसे भूख मिटाए, कैसे गरीबों को समझाए और कैसे अमीरों को भी मनाए कि आप अपनी जिंदगी बचाइए। सबसे ज्यादा भीड़ आलू और प्याज की दुकानों पर थी। लोग इस उम्मीद में, आशंका में कि कहीं बाजार से सब्जी खत्म ना हो जाए, ऐसे में आलू प्याज रहेगा तो घर में सब्जियां तो बनेगी, दाल चावल तो अधिकतर था। सब्जी की दुकानों में भी भीड़ उमड़ी और लोग किसी अनहोनी की आशंका में एक दूसरे से पूछ रहे थे, लॉकडाउन कब तक चलेगा, क्या होगा, जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। दुकानों का स्टॉक खत्म और बढ़ते दर पर भी हंगामा हो रहा था और ऐसी परिस्थिति में हर कोई परेशानी से गुजर रहे थे। लहरियासराय से लेकर नगर विश्वविद्यालय गांव तक में ये हाल था 23 मार्च 2020 को, कोरोना की वो काली याद जिसके साए से हम भले धीरे धीरे निकल रहे हों, पूरी तरह निकल नहीं पाए एक वर्ष बाद भी। ठहर रही थी जिंदगी और सबसे खराब स्थिति अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, जहां लोग इलाज कराने से भी डर रहे थे, करने से भी डर रहे थे। ऐसे में गंभीर बीमारी वाले लोगों का हाल समझा जा सकता है। छोटी छोटी बीमारी के बाद भी जहां चिकित्सक भी सहमे थे, मरीज भी सहमे थे, एक अपनापन दूर हो रहा था। कोरोना का यही कहर था। एक वर्ष पहले कोरोना की काली याद 23 मार्च 2020 को, जिसके साए से निकल नहीं पाए हम अभी तक। जिंदगी हर कदम एक नहीं जंग
बात करते हैं वर्तमान की। विभिन्न थाना स्तर पर पेंडिंग केसों का निष्पादन हो इसके लिए जिलाधिकारी ने आते ही एक महीने के बाद वे ट्रेनिंग से लौटे हैं त्यागराजन एसएम, उन्होंने प्रभार लिया और एसएसपी बाबूराम के साथ संयुक्त बैठक में निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एक महीने के प्रशिक्षण पूरा कर दरभंगा लौटे। कार्यालय कक्ष में विभिन्न स्तर के केस को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित कई अधिकारी और कर्मी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने विभिन्न स्तर के केसों का किया समीक्षा और दिए कई निर्देश भी। कहा, जितने भी लंबित केस हैं इसे निष्पादित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा केस का भार कम हो सके। आज डीएम साहब के कक्ष में जो स्पेशल पीपी और पीपी हैं उनका एक उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन अफसर भी था, शामिल थे, इन लोगों की मीटिंग हुई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि कन्विक्शन की संख्या बढ़े, इसी मामले में हम लोग विचार विमर्श किया गया है और जो जो कठिनाई आई है आती है हम लोगों को, हमने उस कठिनाइयों से माननीय जिलाधीश महोदय को अवगत कराया और जिलाधीश महोदय ने कहा है कि हम लोग जल्द ही जो है सो इस मामले में देखेंगे और एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होगा जो सब चीज़ को निगरानी करेगा और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि प्रत्येक 15 दिन पर मीटिंग होगा और मीटिंग में सब लोग बैठ के अपनी समस्याओं को विचार करेंगे और जहां तक हो सकेगा समाधान निकाल कर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो इच्छा है उसको पूर्ति किया जाए। नियोजन को लेकर बैठक थी जिसमें सभी सरकारी वकील, पीपी साहब, स्पेशल पीपी, एपीपी, पीपीओ, वो सभी लोग सम्मिलित हुए। इसमें ये विचार किया जाता है कि जो कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा है वो कितना प्रभावशाली है, उसको कैसे गति दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा केस में कैसे कन्विक्शन कराया जाए। होली और सभ्य बारात एक ही दिन पड़ रहा है, 28 तारीख को रविवार की शाम जो 6:06 से 7:42 शाम तक संबत जलाने का जो शुभ मुहूर्त है, सभ्य बारात भी उसी दिन है। इस संदर्भ में विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे इसको लेकर लगातार थानों में बैठक, लहरियासराय थाना में सोमवार को तो मंगलवार को नगर थाना में विश्वविद्यालय थाना में बैठक हुई। बैठक में एसडीओ, डीएसपी ने भी शिरकत किया और लोगों ने सुझाव भी दिए, विधि व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक निर्णय लिया। होली एवं सभी बारात पर्व को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू रूप से पर्व को संपन्न कराने हेतु नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, डीएसपी अनोज कुमार और थाना प्रभारी भी मौजूद थे। चूंकि होली से एक दिन पहले होलिका दहन और उसी दिन 28 मार्च को शबे बारात भी है और होलिका दहन में यह सम्मत की रात होती है, जिस सम्मत की रात विभिन्न चौक चौराहे पर लकड़ियां इकट्ठा कर जलाए जाते हैं जिसे होलिका दहन कहते हैं और इसी दिन शबे बारात भी है, तो दोनों पर्व शांति व्यवस्था बनी रहे, दोनों पर्व ही आपसी भाईचारा के साथ मनाए जाएं, इस हेतु विश्वविद्यालय थाना में भी शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। डीजे प्रतिबंधित रहना है, कहीं भी डीजे वगैरह का प्रयोग किसी को नहीं करना है, चाहे होली हो चाहे उसके संबंध के दिन। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार किसी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, होली मिलन समारोह, किसी प्रकार का गैदरिंग, ये सब किसी भी हालत में नहीं होना है। इसके लिए व्यापक खर्च पेपर में भी निकल रहा है, प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आया है और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने स्तर से लोगों को बताइए कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, पिछले 2-3 दिनों से इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा फैला है। इसके लिए हम लोगों को एहतियातन इस बार होली मिलन समारोह या कोई बड़ा कार्यक्रम कोई पब्लिक गैदरिंग में नहीं करना है। इस बार भी होली का त्यौहार मनाया जाना है,
लेकिन इस बार जो है शोए बारात भी दिनांक 28 तारीख को ही मनाया जाना है। दोनों फेस्टिवल एक साथ हुआ है, दोनों को मिलजुल के मनाया जाना है और कोरोना काल को देखते हुए मास्क को भी पहनना है, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। जो कोरोना को कम करने के लिए जो गाइडलाइन दिया गया उसको पालन करते हुए होली को मनाना है। सार्वजनिक और सामूहिक जो है होली मिलन नहीं किया जाना है। शुभरात भी अपना परिवार को जो भी याद करने के लिए जहाँ जाते हैं अपना पूजा करने के लिए जाए आए शांतिपूर्वक मनाना है। इसके लिए हर चौक चौराहे पर ऐसे तो पुलिस बल मंडी बजटेट की प्रतिनिधि रहती ही रहेगी भी, कुछ सिविल में भी रहेंगे, लेकिन हम लोगों से अपील आप लोग से भी कहते हैं कि शांतिपूर्वक मनाने के लिए आप लोग जो है अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने चौक चौराहे पर तटस्थ रहेंगे, लोगों पर निगरानी रखेंगे। शहीद आजम भगत सिंह की 90वीं शहादत दिवस के अवसर पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंच भगत सिंह चौक पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 90वां शहादत दिवस उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हम लोग मना रहे हैं। आज भगत सिंह होते तो आज हम लोगों के बीच 24 साल के बीच 24 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। और भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर ही छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिला कमेटी ने चौक पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कई जगह रक्तदान शिविर भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिला कमेटी ने भगत सिंह चौक पर पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा जिले के तत्वाधान में आज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस है। उनके शहादत दिवस के मौके पर हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शहर के विभिन्न जो मिलान चौक स्थित कार्यालय है वहाँ से जुलूस निकाल करके और यहाँ भगत सिंह चौराहे पर आए हैं और भगत सिंह चौराहे पर माल्यार्पण कर सभा कर रहे हैं। सभा के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से भगत सिंह की शहादत दिवस, भगत सिंह आज़ादी का यह 72 साल बीत जाने के बाद भी आज भी भगत सिंह का सपना अधूरा है। भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर डीएमसीएच रक्त अधिकोष में डीएमसीएच टीम ने जीवन रक्षक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया और इस अवसर पर पहुंचकर अपना रक्त देश और समाज को समर्पित किया। जीवन रक्षक टीम दरभंगा द्वारा बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन डीएमसीएच ब्लड बैंक में किया गया। इसमें दरभंगा के सभी युवा रक्तवीर रक्तदान कर अपने वीरों का, शहीदों का सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह निस्वार्थ भाव से हमारे वीर जवान अपने देश के सेवा में अपना जान की आहुति दे दिए, उसी प्रकार हम लोग निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर गरीब असहाय जरूरतमंद मरीज को जान बचाने का काम कर रहे हैं। डीएमसीएच एक बहुत बड़ा 3 से 4 जिला के मरीज यहाँ पर आते हैं जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिनको ब्लड देने वाला कोई नहीं होता, असहाय होते हैं। उस परिस्थिति में हम लोग अपना रक्त दान करके उनकी जान बचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सभी का सहयोग है, पूरे जिला का व्यक्ति सभी का सहयोग है जिसके कारण ये काम सक्सेस हो रहा है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की काली याद, एक वर्ष पूर्व 23 मार्च को बिहार सरकार ने किया था लॉकडाउन। लॉकडाउन का अर्थ समझाने प्रशासन को निकलना पड़ा सड़कों पर, नगर निगम ने किया माइकिंग। एक वर्ष बाद फिर डरा रहा कोरोना रिटर्न्स का भय। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एक माह बाद लौटे प्रशिक्षण से, लिया पदभार। SSP के साथ विधि व्यवस्था की बैठक की। और होलिका दहन एवं सबे बारात एक ही दिन, रविवार की रात। विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक। मानव अधिकार युवा संगठन भारत सरकार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर रवि सिन्हा ने किया। मानव अधिकार युवा संगठन की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर रवि सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव अधिकार युवा संगठन भारत के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर काफी सराहनीय है। इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इस मौके पर रोज द मेडिसिटी के MD डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो वह एक से अधिक जिंदगी बचाता है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु का बलिदान दिवस है और इस मौके पर रक्तदान शिविर लगाना सही में मानवता का परिचायक है। इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देने के लिए तैयार रहते रहना चाहिए। अगर किन्हीं को, अगर किसी संस्थान को मानवता की सेवा के लिए सहयोग की आवश्यकता हो तो वह देने के लिए तैयार रहें। मानवाधिकार युवा संगठन के कानूनी सलाहकार उदयलाल देव ने भी संबोधित किया। वहीं इस रक्तदान शिविर में संगठन के राष्ट्रीय सचिव पुरेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार, प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष धनंजय कुमार, सजल यादव, जिला प्रभारी अनिल कुमार भारती, मधुपुर प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार कर्ण और सदस्य अमरजीत कुमार सहित 2 दर्जन से अधिक संगठन के पदाधिकारी सदस्य मौजूद थे। दिवस के अवसर पर जो मानव अधिकार युवा संगठन के द्वारा इससे भी पहले होटल में लगाया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। इससे उत्तम काम और कुछ हो नहीं सकता है। और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन है वो लगातार एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जितनी ब्लड की डिमांड है उसे बहुत ही कम अमाउंट में हमारे यहाँ ब्लड लगभग 10% ही डिमांड को हम लोग पूरा कर पाते हैं इस प्रकार की ये से। तो हमारे किसी भी ब्लड बैंक के द्वारा एक ब्लड की कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है, जो हम लोग पैक्ड RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के रूप में अलग अलग रूप में यूज कर पाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक के द्वारा ही ब्लड का डोनेशन होना 1 से 3 का हम लोग डेवलपमेंट कर पाते हैं और एक साथ 3 आदमी की जान बचा पाते हैं। तो ये इस पार्ट्स को हम लोग यूँ कह लें कि ये दान नहीं, सर्वोदान है। इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है और किसी को ज़िंदगी देना इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। किया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे कि यह सामान्य दान नहीं, एक महादान है और आवश्यकता है इसको और थोड़ा निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का कैंप निरंतर लगे, ताकि जो ब्लड का जो हमेशा एक शॉर्टेज दिखता है वो उसको फुलफिल किया जा सके। और इस मजहरी माम एक्सटेंशन व्याख्यान माला के अंतर्गत उर्दू ड्रामा में हिंदुस्तानी तहजीब के अजमात के व्याख्यान का आयोजन किया। MLSM कॉलेज उर्दू विभाग की ओर से मजहर इमाम एक्सटेंशन व्याख्यान माला के अंतर्गत उर्दू ड्रामा में हिंदुस्तानी तहजीब के असरात पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। Yeah.
मजहर इमाम तौसी खुतबा यानी व्याख्यान माला मजहर इमाम आप जानते हैं कि दरभंगा के थे, साहित्य के अवार्ड उनको मिला था, उन्हीं के नाम पर उर्दू विभाग के द्वारा मजहर इमाम तौसी खुतबा यानी व्याख्यान माला शुरू किया गया था। मैं जब यहाँ प्रधानाचार्य था उसी समय, और ये अच्छी बात है कि विश्व यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं प्रोफेसर विजयनाथ झा साहब वो इसको जारी रखे हुए हैं, और आज उसके व्याख्यान माला को देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू के प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद काजिम आए हुए हैं। प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ साहब जो यहाँ पहले शिक्षक थे आजकल विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के शिक्षक हैं वो हैं, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा जी हैं, और डॉक्टर इमाम आजम साहब जिन डायरेक्टर कोलकाता मानो के हैं, यहाँ के अभी जो टीचर हैं वो हैं, सब लोग यहाँ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ये परंपरा जो शुरुआत हुई थी ये भारत सरकार की संस्था NCPUN के द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये कार्यक्रम, और ये हर साल होगा। सांस्कृतिक मांगों के समर्थन में बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा धरना दिया गया। सात सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा धरना दिया गया। हमारी मांगे जायज है, जायज 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 मांगे कैसे लोगे, रखेंगे तो आबाद जो विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद विद्यालय प्रशासन होश में आओ। छात्र संगठन बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा लगभग साल भर से अनियमितता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हमारे विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारी जो UR के तौर पर मनोनीत हैं, प्रायः महाविद्यालय अवैध तरीके से नियुक्ति करना, इनको छात्र के बारे में कोई चिंता नहीं है कि छात्र का वर्ग संचालन कैसा हो, वह छात्र हमारा सुदृढ़ कैसे हो, छात्र हमारा व्यवस्थित कैसे हो। हमारे यहाँ की परंपरा है जो छात्र प्रशासन का विरोध करता है उसे किसी न किसी रूप में फंसा देते हैं। पूर्व में हमारी छात्र संगठन द्वारा ये सात सूत्री मांग दिया गया था। सात सूत्री मांग था कि छात्रों का वर्ग संदर्भ का सौंदर्यीकरण कराया जाए एवं विश्वविद्यालय परिसर को CCTV कैमरे से क्लोज सर्किट कैमरा लगाया जाए। कुछ दिन पहले ही हमारे छात्र की वाहन चोरी हो गई है, सुध लेने वाला कोई नहीं है। दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सीनियर डिवीजन लीगल क्रिकेट मैच का शुभारम्भ किया गया। यंग क्रिकेट क्लब बनाम भगत क्रिकेट क्लब के बीच यह मैच खेला। दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सीनियर डिवीजन लीगल क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया गया। यंग क्रिकेट क्लब बनाम भगत क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। सीनियर डिवीजन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग है, ये अब 20-20 ओवर का, और फिर इसके बाद जो 8 टीमें इसमें जाएंगी क्वार्टर फाइनल में उसका सुपर लीग होगा, और ये 23 से लेके 17 अप्रैल तक चलेगा। बीच में 3 दिनों का होली में विश्राम दिया गया है। सिद्धि मोबाइल मॉल का भव्य उद्घाटन होना है मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक पर। 24 मार्च को इसका उद्घाटन DSP अनुज कुमार करेंगे। इसके प्रोप्राइटर दिलीप शाह ने कहा कि 0% ब्याज पर मोबाइल यानी EMI के साथ भी मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है ताकि ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिल सके। और मीडिया कप का फाइनल होगा बुधवार को। मीडिया कप जिसमें 8 टीमें भाग ले रही है उसका फाइनल मैच होगा बुधवार। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की काली याद, एक वर्ष पूर्व 23 मार्च को बिहार सरकार ने किया था लॉकडाउन। लॉकडाउन का अर्थ समझाने प्रशासन को निकलना पड़ा सड़कों पर, नगर निगम ने किया माइकिंग। एक वर्ष बाद फिर डरा रहा कोरोना रिटर्न्स का भय। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एक माह बाद लौटे प्रशिक्षण से, लिया पदभार। SSP के साथ विधि व्यवस्था की बैठक की। और होलिका दहन एवं सभी बारात एक ही दिन, रविवार की रात
विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेट रही होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।